राजधानी रांची के सीएनजी ऑटो संचालकों को इन दिनों रोज मुसीबतों का पहाड़ लांघना पड़ता है। अपने ऑटो में सीएनजी भरवाने के लिए इन्हें दो तीन नहीं बल्कि सात सात घंटे का वक्त लग जाता है। सीएनजी सेंटर का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अजय लाल ने। कहा है लिहाजा तमाम लोग चाहते हैं कि कमाई करने के बाद उनके हाथों में दो पैसा आए, लेकिन कई बार परेशानी ऐसी हो जाती है कि पूरा का पूरा दिन गुजर जाता है, दो पैसे की कमाई भी नहीं हो पाती। इस वक्त राजधानी रांची के ऑटो चालकों की मैं समस्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सीएनजी भरवाने के लिए सुबह 3 बजे रात 1 बजे से लाइन में लगे रहते हैं और कितनी बड़ी लाइन है मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। लगभग मैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा का यहाँ पर लाइन लगा है ऑटो वालों का, ये सीएनजी भरवाने के लिए आए हैं। जाहिर सी बात है इनका पूरा का पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन सीएनजी नहीं मिल पाता। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तस्वीर के माध्यम से देख पाएंगे कि कितनी बड़ी लाइन है, कब इनके ऑटो में सीएनजी डाले जाएंगे, कब ये ऑटो लेके रोड पे निकलेंगे और कब इनके हाथों में दो पैसा आएगा। ये पूरा का पूरा मैं सीन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी लाइन है, कितना बड़ा पूरी तरह से लाइन इतनी बड़ी है कि आप तस्वीर में देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइन है। हमारे सहयोगी देवाशीष कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पूरा का पूरा ऑटो इस राजधानी रांची के खुखरी पेट्रोल पंप का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम ऑटो वाले सुबह 3 बजे से रात 1 बजे से यहाँ पे खड़े रहते हैं कि उनके ऑटो में सीएनजी डाला जाए। आए हैं सुबह यहाँ पर 6 बजे आए हैं, सुबह 6 बजे हम 6 बजे। उससे पहले ऑटो था या नहीं था? उससे पहले ऑटो था, बेच दिए। नहीं नहीं, ऑनलाइन में बहुत पोस्ट ऑफिस पास था, लाइन में थे और में, यानी कि लंबी। आपका ऑटो कहाँ है? चलिए ऑटो के पास चलिए आप, ये इनका ऑटो है। मैं इनसे भी जाने की कोशिश करूंगा कि कब ही आए थे, कितने बजे आए थे आप? हम 7 बजे से आए हुए यहाँ पे। 7 बजे जी सीएनजी नहीं मिल पाया। कुछ और लोग हैं, कब आए थे आप यहाँ पर? लगभग 5 बजे आए हैं। सुबह 5 बजे नहीं मिल पाया सीएनजी अभी तक नहीं मिला है। ये पूरा का पूरा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी लाइन सीएनजी मिल पाएगा, कैसे कमाई होगी। इसका कोई गारंटी नहीं है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देता है। 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं, 2 किलोमीटर लाइन लगा रहता है, रात में भी आदमी गाड़ी लगा के सोया हुआ रहता है, गैस मिलता नहीं है। दिन में आता है तो रात में जाता है, रात में आता है तो सुबह जाता है। स्थिति है, दिन में आइए तो रात में जाना पड़ेगा और रात में आइएगा तो आपको दिन में जाना पड़ेगा, और ऐसी ही स्थिति यहाँ पे पूरी तरह से मौजूद है। पूरा का पूरा आप देखेंगे कि तमाम सीएनजी वाले यहाँ पर लगे रहते हैं कि उन्हें सीएनजी मिल जाए। कोशिश की कि कैसे राजधानी रांची में सीएनजी ऑटो को चलाने के लिए आपको मशक्कत करना पड़ता है, भारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। कर्मन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।